एक दिन की बात है, स्वर्गलोक में रहने वाला एक देवदूत पृथ्वी पर घूमने आता है। उस देवदूत के हाथ में एक सोने के सिक्कों से भरी थैली थी। आज मैं पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने आया हूँ, और जो भी मुझे अच्छा और दयालु इंसान मिलेगा, मैं उसे ये सारे सोने के सिक्के दे दूंगा। इतना कहकर देवदूत अपने आप को एक भिखारी के रूप में बदल लेता है और एक गांव में जाकर लोगों से खाना मांगने लगता है। तभी देवदूत एक बड़े धनवान के घर के सामने पहुंचता है। मैं दो दिनों से भूखा हूँ साहब, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अपने घर के सामने एक भिखारी को देख उस धनवान आदमी को बहुत गुस्सा आता है। अरे तेरा सत्यानाश, सुबह सुबह मेरे घर पर भिखारी कहाँ से आ गया? अरे भिखारी, तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती क्या? देख, मैं तुझे पॉकेट में कुछ नहीं देने वाला, चल भाग यहाँ से। इस तरह वह धनवान आदमी भिखारी को डांट कर भगा देता है। फिर वह भिखारी एक समोसे की दुकान पर पहुँचता है। सुनिए साहब, मैं दो दिनों से भूखा हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ समोसे खाने के लिए दे दो। अरे ये समोसे मैंने बेचने के लिए रखे हैं, तेरे जैसे भिखारियों को मुफ्त में बांटने के लिए नहीं। अगर मैं भिखारियों को समोसे दान देने लगा तो कुछ ही दिनों में मैं भी एक भिखारी बन जाऊंगा, और मुझे भी तेरी तरह कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तुझे एक भी समोसा नहीं देने वाला, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर समोसे वाला उस भिखारी को धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद भिखारी चलते चलते एक फल की दुकान पर पहुँचता है और उस फल वाले से भीख मांगने लगता है। मेरी मदद करो साहब, मैं दो दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए फल दे सकते हैं? वह फल वाला भी बाकी दुकान वालों की तरह मतलबी था। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। ए भिखारी, मैं तुझे फल नहीं दूंगा, तेरे पास पैसे है तो मेरे फल खरीद कर खा, फोकट में तो मैं किसी को सड़े हुए फल भी नहीं देता, समझ गया ना? गरीब और भिखारियों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए तू यहाँ से भाग जा, वरना मैं डंडे से तेरी खूब पिटाई करूँगा, चल भाग यहाँ से। उस फल वाले की बात सुनकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह गांव के चौराहे पर पहुँचता है। उस चौराहे पर कंचन नाम की गरीब लड़की एक टोकरी में बर्फ के ऊपर कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखकर बेच रही थी। सुनो बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, दो दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी की हालत देख कंचन को उस पर बहुत तरस आता है। अरे नहीं, ये भिखारी तो बहुत ही भूखा लगता है, लेकिन इसे खिलाने के लिए मेरे पास खाना नहीं है। फिर कंचन भिखारी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मेरे पास इस वक्त सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अगर आप चाहे तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। इतना कहकर कंचन भिखारी को एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे देती है। फिर भिखारी जल्दी से सारी कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। सुनिए अंकल, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसके बाद कंचन अपनी कोल्ड ड्रिंक की टोकरी उठाकर सिर पर रख लेती है और उस भिखारी को अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर कंचन चूल्हे में रोटी सब्जी बनाकर भिखारी के सामने रख देती है। फिर भिखारी खुश होकर सारा खाना खा लेता है और अगले ही पल वह भिखारी देवदूत के रूप में बदल जाता है। यह देख कंचन को बहुत आश्चर्य होता है। अरे नहीं, ये कैसा चमत्कार है? बेटी, मैं स्वर्ग से आया हुआ एक देवदूत हूँ, मैं अच्छे और दयालु इंसान की तलाश कर रहा था, लेकिन इस गांव के सभी लोग मतलबी और स्वार्थी हैं। सिर्फ तुम ही एक दयालु और नेक लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये सोने की थैली देना चाहता हूँ। इतना कहकर देवदूत सोने की थैली कंचन के हाथ में रख देता है। अपने सामने इतने सारे सोने के सिक्के देख कंचन बहुत खुश होती है।
उसके बाद देवदूत कंचन को एक जादुई अंगूठी देता है। बेटी, जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसो तो इस अंगूठी को अपनी हथेली पर रगड़ कर अपनी एक इच्छा मांग ले, उसी वक्त तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर देवदूत वहां से अदृश्य हो जाता है। इस तरह सोने के सिक्के मिलते ही कंचन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक उस गांव में बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव में पानी भर जाता है। बारिश के पानी से गांव के सभी घर डूबने लगते हैं, जिस वजह से लोगों के घरों में रखा सारा अनाज और पैसे पानी में बह जाते हैं। यह देख कंचन बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं, ये बारिश तो सभी गांव वालों को बर्बाद कर देगी, मुझे फौरन इनकी मदद करनी चाहिए। तभी कंचन को देवदूत की दी हुई अंगूठी की याद आती है। वह अलमारी से अंगूठी निकाल कर अपनी हथेली में रगड़ने लगती है। सुनो जादुई अंगूठी, मैं अपने गांव वालों को बाढ़ से बचाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। कंचन के इतना कहते ही उसके घर में रखी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हवा में उड़कर घर से बाहर चली जाती है और पानी में तैरने लगती है। फिर देखते ही देखते वह बोतल एक बहुत बड़ी विशाल बोतल बन जाती है। उसके बाद कंचन उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर सवार हो जाती है और एक एक कर बारिश में फंसे हुए लोगों को बचाकर उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर बैठा लेती है। फिर वह कोल्ड ड्रिंक की बोतल पानी में तैरते हुए कंचन और गांव वालों को दूर सूखी जगह पर ले जाती है। इस तरह कंचन उन सभी गांव वालों की जान बचा लेती है। फिर अगले ही दिन बाढ़ का पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है और वह गांव वाले अपने घरों में लौट कर फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। हाँ huh?